नमस्कार, नेक्स्ट नाइन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी आखिरकार संसद पहुंच चुके हैं। दरअसल आपको बता दें, मोदी सरनेम मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद आज राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता को भी बहाल कर दिया गया, जिसके बाद राहुल गांधी संसद की प्रक्रिया में भाग लेते हुए नजर आए। इस दौरान जहां एक ओर राहुल गांधी को काफी ज्यादा आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, तो वहीं राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होने को लेकर विपक्ष काफी ज्यादा खुश है। बता दें कि ढोल नगाड़ों के साथ राहुल गांधी के समर्थक अपनी खुशी को जाहिर करते हुए नजर आए, तो वहीं कई विपक्षी दल के दिग्गज नेता ट्वीट के माध्यम से तो खास संदेश भेजते हुए राहुल गांधी को बधाई दे रहे हैं। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होने को लेकर अपनी खुशी को जाहिर किया। क्या कुछ कहते हुए राहुल गांधी को लेकर नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव, आप भी जरा सुनिए। गौरवशाली इतिहास रहा है और इस प्रदेश ने ही प्रधानमंत्री दिए हैं, यही प्रदेश ने बीजेपी की सरकार बनाई है। जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं, क्या महिलाएं हमारे देश की इस तरह घुमाई जाएंगी? क्या हमारे उत्तर प्रदेश का बुलडोजर का नेशनल परमिट कैंसिल हो गया क्या? तो केवल निंदा प्रस्ताव पास होता, इसी की मांग विपक्ष कर रहा था। मणिपुर की बात उठी थी सदन में, उसको जो है मना कर दिया गया। क्या गलती? क्या चीज? मणिपुर की बात सर, राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो गई है आज जो सदन पहुंचे। माननीय सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद, और इस फैसले के बाद पूरे देश की जनता का न्यायपालिका पर और डेमोक्रेसी पर भरोसा बढ़ा है, और हमें उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसद विधायक हैं, उनकी भी सदस्यता जाए। ये तो केवल विपक्ष के लोगों की सदस्यता जा रही है, और इससे तो पोल खुल गई भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी कितना साजिश करती है, कितना षड्यंत्र करती है किसी की सदस्यता छीनने के लिए। और आपने, हमने देखा है आदरणीय आजम खान साहब, उनके बेटे की और तमाम लोगों की सदस्यता किसने छीनी, साजिश करके छीनी गई है, और हमें भरोसा है कि न्यायपालिका से उन्हें भी न्याय मिलेगा। असदुद्दीन ओवैसी ने सर आप पर कमेंट किया है और कहा है कि ये कोई इस प्रदेश और देश का आवाम जानता है कि समाजवादी पार्टी क्या काम कर रही है। तो देखा आपने किस तरह से साफ तौर पर अखिलेश यादव ने कहा, राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होना इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि देश में अभी भी न्यायपालिका और लोकतंत्र बचा हुआ है। इसके साथ अखिलेश यादव ने मणिपुर में हो रही हिंसा को लेकर केंद्र सरकार और राज्य की सरकार पर निशाना साधा, और साथ ही आजम खान जो कि समाजवादी पार्टी से पूर्व सांसद रह चुके हैं, उनकी सदस्यता बहाल करने की भी मांग भी वो करते हुए नजर आए। अब देखना होगा राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होने बाद क्या आजम खान और उनके बेटे की भी सदस्यता को लेकर न्यायपालिका ऐसा ही कोई बड़ा निर्णय लेती हुई नजर आएगी या नहीं। आपकी इस पूरे रिपोर्ट को लेकर क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, और बाकी ऐसी खबरों के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज।